हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद जेनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन टू वीडियो वील डिस्कस अबाउट साइकेट्रिक इमरजेंसीज इस वीडियो में हम डिफरेंट साइकेट्रिक इमरजेंसीज की इंट्रोडक्शन टाइप्स कॉजिस सिम्टम्स एज वेल एज मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे लेट स्टार्ट द टॉपिक विथ इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वॉट इज एन इमरजेंसी Emergency is a serious, sudden or dangerous situation which needs an immediate action. Emergency किसी गंभीर परिस्थिति को बोलते हैं जो कि suddenly मतलब अचानक से arise हो जाती है और उसके लिए immediate action की ज़रूरत होती है ये circumstances person के लिए as well as उसके surroundings के लिए dangerous भी हो सकते हैं मतलब खतरनाक हो सकते हैं इसलिए इन्हें तुरंत ठीक करने की ज़रूरत होती है It is a common definition which we can use for any of the emergency now let's discuss what is psychiatric emergency psychiatric emergency is an acute disturbance of thought behavior mood or psychomotor activity that require immediate management and if untreated may lead to harm either to the individual or to others in the environment साइकेट्रिक इमरजेंसी ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जिसमें पर्सन की साइकेट्रिक हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल फंक्शनिंग में सीवियर एबनॉर्मिलिटी हो जाती है इसमें पेशेंट के थॉट प्रोसेस मतलब सोचने की शक्ति बिहेवियर मूड और साइकोमोटर एक्टिविटी में एक्यूट डिस्टरबेंस हो जाती है एक्यूट डिस्टरबेंस को हम सडन एंड सीरियस एबनॉर्मिलिटी बोल सकते हैं पेशेंट के दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स और आइडियाज आते हैं जैसे कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं या फिर उसे डिल्यूजन्स होती हैं बिहेवियर में भी रिमार्केबल चेंजेस देखने को मिलते हैं मतलब पेशेंट नॉर्मली बिहेव नहीं करता ओवर एक्टिव या फिर अंडर एक्टिव भी हो सकता है एक्साइटेड या फिर वॉयलेंट भी हो सकता है ये पर्सन की मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है इसके साथ साथ पेशेंट का मूड भी डिस्टर्ब हो सकता है डिप्रेशन या फिर मेनिया वाले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ऑल्सो पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटी भी सीरियसली अफेक्ट होती है द वर्ड साइकोमोटर इज डिफाइंड एज साइको प्लस मोटर साइको मीन्स माइंड एंड मोटर मीन्स मूवमेंट जब डायरेक्ट मेंटल फंक्शनिंग की वजह से मसल मूवमेंट प्रोड्यूस होती है तो उसे हम साइकोमोटर एक्टिविटी बोलते हैं अगर इसमें कोई डिस्ट्रब्शन हो जाए तो पर्सन में साइकोमोटर रिटार्डेशन और साइकोमोटर एजिटेशन हो सकती है ये सारे करेक्टिस्टिक्स साइकेट्रिक इमरजेंसी में प्रेजेंट होते हैं इसलिए इन्हें इमिडिएटली मैनेज करना बहुत जरूरी है और अगर इसे हम ट्रीट नहीं करते तो पेशेंट या फिर उसके आसपास वाले लोगों को खतरा हो सकता है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसीज दीज आर सुसाइड अटैम्प्ट वायलेंट बिहेवियर पैनिक अटैक Catatonic stupor, acute psychosis, lithium toxicity, alcohol intoxication, and withdrawal symptoms. The first one is suicide attempt. Suicide is deliberate self harm and can be defined as the intentional taking of one's own life. Suicide ka matlab hai, deliberate self harm or self destruction. इसमें पेशेंट जानबूझकर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की या फिर खुद को ही मारने की कोशिश करता है थॉट डिस्टर्बेंस होने की वजह से उसके दिमाग में सुसाइडल आइडियाज आते हैं मतलब सुसाइडल थॉट्स आते हैं इसीलिए वह अपने आप को खत्म करने के तरीके ढूंढता है अटेम्प्टेड सुसाइड इज डिफाइंड एज एनी एक्ट ऑफ सेल्फ डैमेज कैरिड आउट विद द इंटेंशन ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन सुसाइड का मतलब है अपने आप को नुकसान पहुंचाना या फिर मारना पर अटेम्प्टेड सुसाइड का मतलब है अपने आप को खत्म करने के लिए कोई ना कोई कार्य करना अगर पेशेंट सुसाइड करने के लिए फिजिकली एक्ट करता है मतलब कोई एक्शन लेता है तो उसे हम अटेम्प्टेड सुसाइड बोलते हैं सुसाइड इज मोर कॉमन इन मेल्स वेयर एज पैरासुसाइड इज कॉमन इन फीमेल्स जब पेशेंट एक्चुअल में खुद को मारने की कोशिश करता है तो उसे हम सुसाइड बोलते हैं और अगर पेशेंट सुसाइडल अटेम्प्ट करता है पर उसकी इंटेंशन खुद को मारने की नहीं होती मतलब खुद को किल करने की नहीं होती वह केवल सेल्फ हार्म के लिए अटेम्प्ट करता है तो उसे हम पैरा सुसाइड बोलते हैं नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द काजेस जिन पेशेंट्स को स्किजोफ्रेनिया मेजर डिप्रेशन हिस्टीरिया डिमेंशिया डिलेरियम और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो उनमें सुइसाइड अटैम्प्ट के ज़्यादा चांसेस होते हैं स्केच्सोफ्रेनिया डिप्रेशन और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई हैं आप आई बटन पर दिए गए लिंक से वीडियो को देख सकते हैं नेक्स्ट वे विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मैथड्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड दीज आर हैंगिंग ड्राउनिंग बर्निंग इंजेशन ऑफ पॉइजन और जम्पिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन These are very common terms. I think we need not to waste our time on discussing them in Hindi. Let's move to management. Ensure the patient's safety. Patient ki safety ka humne acche se khayal rakhna hai Do hospitalization Suicidal attempt very serious condition है. इसलिए हमने patient को hospitalise करना है. Verbalisation of honest feelings. Patient के साथ हमने अच्छे से बात करनी है और उसकी true feelings को बाहर लेके आना है. ताकि हमें उसकी सिचुएशन और उसके आइडियाज़ के बारे में अच्छे से पता चल सके स्टे विद द पेशेंट एंड प्रोवाइड सपोर्टिव साइकोथेरेपी फर्दर सुसाइड अटैम्प्ट को प्रिवेंट करने के लिए हमने पेशेंट के साथ में ही रहना है उसे अकेला नहीं छोड़ना और उसे सपोर्टिव साइकोथेरेपी भी देनी है द सेकेंड कंडीशन इज़ वायलेंट बिहेवियर एक्शन और एक्सप्रेशन दैट इज़ इंटेंडेड टू कॉज फिजिकल हार्म or injury to oneself others or objects is referred as violent behavior violence may be done due to wide range of psychiatric disorders violent behavior ka matlab hai violence karna isme patient khud ko दूसरों को या फिर किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई action करता है या फिर कोई expression करता है जिसकी वजह से कोई फिज़िकल हार्म या फिर इंजरी भी अराइज हो सकती हैं बहुत सारी साइकेट्रिक कंडीशंस हैं जिनमें वायलेंट बिहेवियर कॉमनली देखने को मिल सकता है इन दिस द पेशेंट इज़ राउडी एब्यूजिव असल्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पेशेंट राउडी बिहेवियर शो करता है मतलब डिसऑर्डरली बिहेव करता है उसका व्यवहार एब्यूजिव या फिर असल्टिव भी हो सकता है मतलब वर्बल अग्रेशन या फिर फिजिकल अग्रेशन हो सकता है उसके साथ साथ पेशेंट में डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी प्रेजेंट होता है जैसे कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं और किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं नेक्स्ट आर द काज ऑफ वायलेंट बिहेवियर स्किजोफ्रेनिया मेनिया एल्कोहलिज्म पैनिक डिलीरियम और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में वायलेंट बिहेवियर कॉमनली प्रेजेंट होता है द सिम्टम्स आर असोल्टिव बिहेवियर फिजिकल थ्रेट्स वर्बल अब्यूज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी असोल्टिव बिहेवियर में पंचिंग स्क्रैचिंग और यूजिंग वेपन्स इज़ वेरी कॉमन पेशेंट दूसरों को किसी भी तरह से फिजिकली हार्म कर सकता है वेपन्स का भी यूज कर सकता है फिजिकल थ्रेट्स मतलब किसी को मारने की या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना या फिर किसी को धमकाना वर्बल एब्यूज में पेशेंट एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करता है मतलब एब्यूजिव वर्ड्स बोलता है किसी को इंसल्ट करता है या फिर शाउटिंग करता है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी में पेशेंट किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी वस्तु को डिस्ट्रक्ट कर सकता है मतलब खराब कर सकता है तोड़ सकता है और ये सारे करैक्टरिस्टिक्स पेशेंट के अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से अराइज होते हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट इंश्योर एवरी वन सेफ्टी वायलेंस की वजह से पेशेंट खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए हमने सबकी सेफ्टी का ख्याल रखना है असेस फॉर ट्रिगर जो चीज पेशेंट को ट्रिगर करती है मतलब स्टिमुलेट करती है अग्रेसिव होने के लिए उस स्टिमुलाय को हमने असेस करना है यूज फिजिकल रिस्ट्रेंट्स फिजिकल रिस्ट्रेंट्स डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम पेशेंट की मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हाइपर एक्टिव पेशेंट्स या फिर ओवर एक्टिव पेशेंट्स में हम फिजिकल मेथड्स का यूज़ करके पेशेंट की बॉडी मूवमेंट्स को हम कम करते हैं प्रिवेंट करते हैं वैसे ही वायलेंट पेशेंट्स में भी मैनुअल डिवाइस का यूज़ करके उनकी फिजिकल मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जाता है नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन हेयर वी नीड टू डिस्ट्रैक्ट द पेशेंट हमने पेशेंट का ध्यान किसी और तरफ खींचना है ताकि वह असोल्टि बिहेवियर बंद कर दे एंगर मैनेजमेंट थेरेपी इज ऑल्सो नेसेसरी इनिशियट द ट्रीटमेंट एंड रिमूव इंजूरियस आर्टिकल्स पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और जिन भी आर्टिकल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स की वजह से पेशेंट को कोई इंजरी हो सकती है हमने उन्हें पेशेंट के सराउंडिंग्स में नहीं छोड़ना द थर्ड साइकेट्रिक एमरजेंसी इज पैनिक अटैक पैनिक अटैक इज डिफाइंड एज अ सडन ऑन्सेप्ट ऑफ इंटेंस एंजाइटी फीयर और डिसकम्फर्ट अकंपनीड बाय फिजिकल सिम्टम्स यूजली लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स एंड कैन अकर इन वेरियस साइकेट्रिक कंडीशंस पैनिक अटैक के बारे में हमने एनजाइटी डिसऑर्डर्स वाली वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था पैनिक अटैक एक सडन सिचुएशन होती है जो कि केवल कुछ मिनट्स के लिए ही रहती है इसमें पेशेंट को इंटेंस एनजाइटी फियर और डिस्कम्फर्ट होता है और साथ में फिजिकल सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं पेशेंट अचानक एंशियस हो जाता है बहुत ज़्यादा डर जाता है उसे हर छोटी बात पर डर लगने लगता है या फिर उसे फियर होता है कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए और वह कंफर्टेबल फील नहीं करता पैनिक हो जाता है बहुत सारे साइकेट्रिक कंडीशंस हैं जिनमें पेशेंट को पैनिक अटैक हो सकता है दीज एपिसोड्स कैन बी वेरी डिस्ट्रेसिंग एंड ऑफन अकर अनएक्सपेक्टेडली लीडिंग टू अ सेंस ऑफ फियर अबाउट हैविंग फ्यूचर अटैक्स पैनिक अटैक के एपिसोड्स पेशेंट को कभी भी हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली हो सकते हैं और ये पेशेंट के लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग होते हैं बार बार पैनिक एपिसोड होने की वजह से पेशेंट में डर बैठ जाता है कि कहीं उस पर कोई फ्यूचर में अटैक ना हो जाए या फिर उसे कोई मार ना दे या फिर उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द काजेस फोबियास एंजाइटी डिसऑर्डर्स पी टी एस टी दैट इज पोस्ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मेजर डिप्रेशन एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में पैनिक एपिसोड्स कॉमनली प्रेजेंट होते हैं द सिमटम्स आर ब्रेथलेसनेस पाल्पीटेशंस स्वेटिंग फीवर ऑफ डाइंग एंड चोकिंग सेंसेशन ब्रेथलेसनेस को हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोल सकते हैं डिजनिया बोल सकते हैं डिफिकल्ट और लेबर्ड ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं इसमें पेशेंट की सांस फूलती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है पाल्पीटेशंस का मतलब है रेसिंग हार्ट इसमें दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और पर्सन को सेंसेशन होती है कि उसका हार्ट बहुत फास्टली बीट कर रहा है स्वेटिंग मतलब पेशेंट को बहुत पसीना आता है फियर ऑफ डाइंग उसे डर होता है कि कहीं वह मर ना जाए या उसे कुछ हो ना जाए और चोकिंग सेंसेशन में पेशेंट को लगता है कि उसका दम घुट रहा है द मैनेजमेंट ऑफ पैनिक अटैक इज रीश्योर द पेशेंट मतलब पेशेंट को रीएश्योर करना है इनकरेज करना है और उसे भरोसा दिलाना है रेकोगेशन ऑफ कॉजेज ऑफ थ्रेट हमने रेकोगनाइज करना है कि पेशेंट को किस चीज़ से खतरा है या उसे किस चीज़ से खतरा हो सकता है नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ़ स्ट्रेसर मोस्टली पैनिक अटैक किसी स्ट्रेसर की वजह से होता है मतलब कोई ट्रिगर होता है जिसे हमने ढूंढना है और उसे रिमूव करना है हमने पेशेंट के साथ बातचीत करनी है उसकी बातों से पता लगाना है कि उसे किस चीज से डर लगता है या फिर उसे किस चीज से खतरा है प्रमोट रिलैक्सेशन इसमें पेशेंट को मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलना है द लास्ट वन इज टू प्रोवाइड सपोर्टिव साइकोथेरेपी द फोर्थ साइकेट्रिक एमरजेंसी इज कैटाटोनिक स्टूपर It is a behavioral syndrome characterized by immobility, mutism, and unresponsiveness to the environment, also known as psychomotor disorder. Catatonic superco understand karne ke liye, hum ise two terms may break karenge. The first one is catatonia. कैटाटोनिया एक साइकोमोटर डिसऑर्डर है मतलब मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन नॉर्मली बॉडी की फिजिकल मूवमेंट्स को नहीं कर पाता या तो वह बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करता है और या फिर वह बिल्कुल भी नहीं करता द सेकेंड टर्म इज़ स्टूपर स्टूपर का मतलब है रिजिडिटी या फिर रिजिड पोस्टर मतलब पेशेंट एक ही पोस्टर में एक ही पोजीशन में बैठा रहता है बिल्कुल भी मूव नहीं करता ना ही वह कोई मोटर एक्टिविटी करता है मतलब उसके मसल्स या फिर उसके बॉडी पार्ट्स की कोई मूवमेंट जैसे कि जेस्टर्स या फिर ग्राइमिस कुछ भी नहीं करता वह और ना ही वह किसी को वर्बली रिस्पॉन्ड करता है कैटाटोनिक सुपर को हम बिहेवियरल सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बिहेवियरल सिम्टम्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं ना ही पेशेंट फिजिकल मूवमेंट्स करता है और ना ही किसी के साथ बातचीत करता है उसके इन्वामेंट या फिर सराउंडिंग्स में भी किसी चीज़ का वह रिस्पॉन्ड नहीं करता इंडिविजुअल्स इन कैटाटोनिक टू पर मे एग्जिबिट रिजिट पोस्टर लैक ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑल्सो मे रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन एंड क्लोज मोनिटरिंग जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कैटाटॉनिक्स सुपर वाले पेशेंट्स एक ही पोस्टर में रहते हैं उनकी बॉडी पोजीशन या फिर बॉडी का जो पोस्टर है वह फिक्स रहता है या तो वह बैठे रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं लेकिन मूव नहीं करते और उनकी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इसलिए उन्हें मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है और उन्हें क्लोजली मोनिटर भी करना होता है नेक्स्ट आर द काज़ ऑफ कैटाटॉनिक्स सुपर स्किस्फ्रेनिया मूड डिसऑर्डर्स सब्सटेंस अब्यूज एक्सट्रीम स्ट्रेस और सर्टेन मेडिकल कंडीशंस के केसेस में कैटाटॉनिक स्टूपर हो सकता है द सिमटम्स आर इमोबिलिटी म्यूटिजम कैटालेपसी स्टूपर एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस इमोबिलिटी का मतलब है लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स और लैक ऑफ मोटर एक्टिविटी म्यूटिज़म का मतलब है लैक ऑफ वर्बल रिस्पॉन्स पेशेंट म्यूट हो जाता है कुछ भी नहीं बोलता चुप रहता है कैटालैप्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट के लिम्स अननेचुरल पोजीशन में फिक्स रहते हैं और इसमें पेशेंट किसी भी स्टिबुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता इमोबिलाईज हो जाता है एक फिक्स पोस्टर मेंटेन करके रखता है अदर सिम्टम्स आर स्टूपर दैट इज रिजिड पोस्टरिंग एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस लेट्स मूव टू द मैनेजमेंट डू केयरफुल फिजिकल एग्ज़ामिनेशन केयरफुली पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है आइडेंटिफाई द काज पर्सन को कैटाटॉनिक स्टूपर किस वजह से हुआ है उस फैक्टर को हमने फाइंड करना है प्रोवाइड इलेक्ट्रोकनवलिव थेरेपी पेशेंट को ई सी टी देनी है ऑल्सो प्रोवाइड फिजिकल थेरेपी एंड मिनिमल डोज ऑफ एंटीसाइकॉटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट्स जो भी हमारी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन होगी वेदर इट इज़ एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट हमने मिनिमल डोज जितनी भी लिखी है वो पेशेंट को देनी है इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोर साइकेट्रिक एमरजेंसीज द अदर फोर विल बी कवर्ड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो आई होप यू ऑल फाइंड इट यूजफुल प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू